पहली बात तो हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जी बिल्कुल जितने भी रिपोर्टर यहाँ पे हैं सबको दिल से धन्यवाद कि यूपी में भी उतना ही समय हम लोग को देते हैं जितना समय बॉम्बे में जब शूटिंग होती थी देते थे। बॉम्बे में हालांकि कम शूटिंग हो पा रही है, तो अभी यूपी में लगातार शूटिंग चल रही है, तो वो हिसाब से ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ तक आए, तो उसके लिए सबको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अभी राम सर ने पूछा कि कालिक के बारे में, तो हम कालिक की बात करेंगे। कालिक के जो हीरो हैं राज सर यहीं पे हैं और निधि झा जी हीरोइन है। मैं उसी फिल्म का एक पार्ट हूँ जो बहुत एक अहम कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, जो अभी उस फिल्म के बारे में स्टोरी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारी फिल्में की, आपने भी की है, तो ये थोड़ी अलग स्टोरी है। एक लेडी ओरिएंटल फिल्म, हीरो हीरोइन वैसा वाला फिल्म नहीं है, कुछ अलग है, एक समाज की डिफरेंट सिनेमा है, कुछ अलग स्टोरी है इसके अंदर। आपको जब फिल्म आएगी तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टोरी अभी हम लोग बता नहीं सकते बिकॉज ऑफ हमारे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो रंजीत पटेल जी हैं, थोड़ा उन्होंने प्रोड्यूसर हमारे हैं राकेश मिश्रा जी हैं, और इसके जो राइटर हैं वो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, डीओपी हमारे नागेंद्र जी हैं, नागेंद्र जी हैं साउथ से हैं। बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं हम लोग और बहुत सारे लोग अभी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, सबके नाम एक साथ लेना मुश्किल है, फिर भी थोड़े नाम हम लोग ले लेते हैं। कमलाकांत मिश्रा जी हैं जो यहीं बनारस के हैं, काफ़ी अच्छे। मनोज सिंह टाइगर जी हैं, और देव सिंह जी हैं, कुणाल सिंह जी हैं, महानायक हैं हमारे कुणाल सिंह जी, और बहुत अच्छे हमारे मित्र धामा वर्मा जी भी हैं। जी बिल्कुल, वो भी हैं। बबलू खान जी हैं कि बहुत ही, इनको आप कॉमेडियन नहीं कह सकते, जैसे आप राम जी बोले कि बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया तो बबलू जी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, तो ये ऑलराउंडर हैं, इनसे आप कॉमेडी भी करवा सकते हैं, और आई थिंक मतलब जिस तरीके का एक्टिंग होता है आपका, एक्टिंग बहुत अच्छा है, तो आप ऑलराउंडर है, कुछ भी इनसे करवा सकते। क्या बात है, थैंक यू राज भाई। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मौका मुझे नहीं मिला काम करने का, तो अभी मौका मिला तो एक अच्छा किरदार निभाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फिल्म में, कालिक में। तो हम स्टोरी बार बार ये बोलो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अद्भुत अच्छी अलग स्टोरी है, इसको जब स्क्रीन पे आएगा या इसका ट्रेलर आएगा चीज़ें आएंगी तो वापस इंटरव्यू हम जरूर फिर स्टोरी का डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि काला हम लोग जो पहने हुए हैं ये क्या मसला है? ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी रात सर इंटरव्यू दे रहे थे तो मैं ऊपर से गया, थोड़ा ठंडी का माहौल है यहाँ पे, भदोही ज्ञानपुर जगह का नाम है, तो ठंडी का माहौल है तो मैं भी गया, थोड़ा चलो जैकेट डाल लेता हूँ, तो यहाँ आते ही पता चल गया कि दोनों काले हो गए, आराम से बताए। लेकिन चेहरा गोरा है। ऐसा है क्या? तो बहुत सारी फिल्में हैं और आप लोगों की दुआ से आशीर्वाद से मेरी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, जैसे कि सुंदरी फिल्म आ रही है, एक सुंदरी है, तू तू मैमे है, बाबुल है, बाबुल की गलियां हैं, मलंग है, साथ छूटे ना साथिया, अमानत, गुंडों की आएगी बारात, और ऐसे अनगिनत फिल्में आ रही हैं। और जो भी फिल्में हैं वो मैं मेरे ब्लॉग, मैं यहाँ थोड़ा मेरे ब्लॉग के बारे में बता देता हूँ, मेरा ब्लॉग है बबलू खान ब्लॉग, आप उसमें मेरे सारे फिल्मों के जानकारी मैं देता रहता हूँ, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग सर्च कर सकते हैं बबलू खान 45 इंस्टाग्राम आईडी, उसमें सारा अपडेट करते रहता हूँ। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, क्या बताऊँ, एक अलग अलग स्टोरी करने का मन करता है, और वैसे स्टोरी मैं कर भी रहा हूँ, एज अ कॉमेडियन कर रहा हूँ, सीरियस रोल भी कर रहा हूँ, कुछ जी अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद भी फिल्म में करने जा रहा हूँ, यहीं पे बनारस में चल रही है चिंटू भाई की फिल्म है, चिंटू पांडे जी की, उसके बाद में मैं एक बी4 कंपनी की फ़िल्म करने जा रहा हूँ यूपी में ही हूँ, बस्ती में जा रहा हूँ, वहाँ पे भी राम सर हमारे आ ही जाएंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग का दुआ है, राज सर बताएंगे आगे की कहानी। आगे बाकी सब बढ़िया है, मेरी भी काफ़ी सारी फिल्में भी आने वाली हैं, जैसे सलाखे आ रही है पहले, और हमको तुमसे प्यार है, वादा कर ले साजना, पल पल दिल के पास, और कौन सी पिक्चर है, ऐसे बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में तो और भी आने वाली हैं। मैंने पोस्टर देखा सलाखे का, बहुत अच्छे पोस्टर बने हैं, और हम साथ में एक फिल्म किए हैं, उस फिल्म का नाम आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, जो काजल मिश्रा जी हैं उसके अंदर हमने एक पिक्चर किया है, फिल्म का नाम है साथी। साथी, हम दोनों ने साथ में उसमें काम किए हैं और अच्छा फिल्म बन के कंप्लीट है ऑलमोस्ट, जब भी आ जाए। ये सारी फिल्में कंप्लीट है बिकॉज की कोरोना की वजह से कुछ फिल्में जो पेंडिंग रह गई थी
सारी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब देखो प्लान हो रहा है जनवरी से बैक टू बैक लाइन से, तो जल्दी ही बहुत सारी फिल्में आप लोग को देखने को मिलेगी। और आप लोग कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग थिएटर में फिल्म लग रही है यूपी बिहार झारखंड बॉम्बे में भी लगती हैं अभी, तो आप लोग थिएटर में जाएँ। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस फिल्म के लिए मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक अलग स्टोरी कर रहा हूँ। रंजीत पटेल जी को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद, और बस इतने कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का।